नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करछु मचिन में प्रथम नजर पकाबा हेडलाइंस ऊपर नयगढ़ एसपी को तालिबानी निर्देश गणमाध्यम रे मुह न खोलिबा को परिर परिवार को धमक जोर जबरदस्त राति अधिया उठाई नै छाडीतिबा अभिजोग सेपटे अभिजोग को अस्वीकार कले एसपी प्रत्युष दिबाक पुरी और वीरमित्रपुर हाजत मृत्यु को नहीं काठगड़ा रे पुलिस घटना को निंदा करबा सह राजरास्ता को ओल्हला बीजेपी उभय स्थान रे न्याय प्रदान पाई विक्षोभ प्रदर्शन कला बीजेपी शोक प्रस्ताव आगत पर तीनटा जाए गृह मुलतवी अपराह रे बसिबो बैठक आगत हो पारे 2020-21 वर्ष पाई अतिरिक्त बजेट शुणिले गुहारी ऑफिस रे निया लगाइले युवक तहसील कार्यालय को दौड़ी दौड़ी नयांत होगा पर पोड़ी देले ऑफिस लाइव वीडियो करिबा सह रेंगाली तहसीलदार विरोध में मारिले पोस्टर खसुची कोरोना ग्राफ गत 24 घंटे 757 नुआ पॉजिटिव क्वारंटीन 436 लोकल कंटाक्ट 321 राज्य में 312,545 पहुंचला कोरोना संक्रमित भुवनेश्वर में 30 लाख टंका सह जने युवक अटक अखा बैग रे टंका रखी बस को अपेक्षा करथिबा बेले धरा पड़िले युवक तपोवन पेट्रोल पंप पाखरु धरिला खंडगिर पुलिस सेते टंका केउठा आसला नै खोलता पुरी डेलांग रे एएसआई को दबंगिरी अभियुक्त को उद्धार परे सर्वसमुखरे माड़ मारिले पुलिस बाबू सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल एथर संपूर्ण खबर परी परिवार उपरे पुलिस बल परी बापमा को जोर जबरदस्त उठाई नहीं पुलिस धमक देवा छाड़ी पुलिस पुलिस एपरी कार्यानुष्ठान को नहीं वर्तमान प्रश्न उठी कारण गोटे पटे न्याय संघर्ष करपटे बाहर किंतु बुलूं अपराधी पुलिस पर सुरक्षा देवा बदल उठाई ने राति अधिया परी पर उठाई नहीं पर लोके कहता बेले अंपटे नयगढ़ एसपी यह खंडन कर पुलिस से उठाई ना से सीधा सीधा गणमाध्यम निकट मना कर दे कौन कहते नयगढ़ पुलिस आसतु शुणा से जो परीर फादर मदर गोटे आलिगेशन आनी आपके धमक देखते मीडिया रे किछ कहिबे नहीं सर धमक नहीं पुलिस कौन पर धमक देखा उठे कर मर्डर तो सेटा तो खबर कवर करिया हम दायित्व ना अन्य माने कोन करछन न करछन सर तांको को डिपेंड करे ना सर थोड़ी ना हम आमे कोन करिबु न करिबु सेटा के डिसाइड करियो हां सेटा तो पुलिस कोन करबु और कोन कहि सेटा पुलिस डिसाइड करबे ना आप ओके सर ना एलिगेशन आसी छि जस्ट आमे मु आपन को रिएक्शन नवा पई चाहू छी तो नहीं सेटा एलिगेशन फॉल्स खतम एलिगेशन फॉल्स छि किछि एलिगेशन नहीं आली से सर आज एलिगेशन करछन आपन धमक दै छन बोलत हम अरे से आपन के सुनंतु कली मु संगरे से कथा कहतिले एटी बसी के यदि मु तांकर धमक दे उछु ते कोन पर एठी आसीले ठीक तो बोजनी सर आपन उठे कि नहीं गेले राती 3 करे बोली नहीं ये तो गलत अछि ठीक प्लीज चेक योर फैक्ट्स ना सर हमें फैक्ट चेक करी छु सर जदी कहिबे मु आपन बाइक आपन को पठा आउ आउ सरे आपन फैक्ट चेक करन तो योर फैक्ट्स आर रॉन्ग मु सर फैक्ट तांकर बाइक आधार रे कहू छी जदी कहिबे मु आपन को बाइक भी पठे देबी तांकर बाइक से माने जहां कहू छन ना आपन पठा दें तो मु तो अच्छा तो आपन उठे नंती नहीं असे माने से क्रिमिनल से कोन उठाई दे भाई से क्रिमिनल से देखी माने आपन तांका सहित भी देखाई नहीं कि कथा ही ना दे बिल्कुल हम आपन तांका सहित कथा ही ना दे कि बिल्कुल देखा देखा ही लेबी अरे बाबू एबे मु कहले माने कोन तुमने एम आई नॉट क्लियर मोर ओडिया ठीक ठीक नहीं दी नहीं नहीं सर आपन कहले जे आपन उठै ना दी सुनंतो हां सुनंतो अच्छा सुनंतो यदि आपन बुझी पड़ो ना हंती आगे मैं क्या बोल रहा हूँ आगे कल वो मेरे सामने यहाँ पे आके बैठे 1 घंटे तक ठीक है मेरे से बात करके गए आगे
ठीक है आगे। जो आदमी यहाँ पे आके अगर बैठे हैं तो मेरी बात हुई ना उनसे ठीक दोपहर में फिर और इसमें और क्या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए बताइए जो भी मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे क्या बोला सर उन्होंने नहीं बोला पहले उनके घर वालों ने बोला कि रात को 3 बजे आप लोग घर वालों से पूछिए ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ गत काली जोगिया पल्ली जाइकी मो शशुर घर ठू आमको जोर जबस्ती करी प्राय राति 4 उठेक आणले आणिकी थाना रे से गाँव में भी बुले आणले लोक देखला भाई तापर जोर जबस्ती करी चल भाई बस गाड़ी ये शीघ्र चल तोर हेड कम अच्छी कौन भी नौ ना सियाड़े कह तुम चल बस बसईक जोर जबस्ती कर धरिक आसे थाना आमको बसईदे बसईदे कि आम दात घसीनु कि आड़ा झगड़ा भी सका कि गोटे समय पर्यटन आपको बस बसईदे आम से सब थर आमको एमती आणिक बसाऊँ ट्रक्चर गोटे कर दिन सारा बसई दौंस मेन्टाली प्रेसर गोटे दौरान आओ कि पचरा उचार ना कि ना दिन सारा बसाऊँ आणिकी जिते दरकार आमको से कथा कि दिन सारा आणी गोटे मेन्टाल जिते प्रेसर दौरान जहाँ फल केसटा आम कि उद्ध करूँ किंतु आमे तो जेते कि इनफर्म पाउछु ताकु दउछु से कहछन्ति जे आउ इनफर्म तमे दियो आउ डाटा हमको गाँव में रुह गाँ तक बाड़िया मरा कर गाँव में कम पे रही आम जो सुविधा है आम सेफ्टी देखिक रोचु तुम्हें आमको तथ्य दि आम तथ्य दौ पुलिस कौन कर पुलिस कहते आम जहाँ पचारे सी आमको बाड़िया मरा कर पुलिस निजे जा पचार ना कि केस धरूना कहते आम धरबू क्राइम ब्रांच को दिए बोले दौना एमती करमको बहुत अकथन निर्यातना कर बाहर मीडिया कहबनी कि कौटे राली करनी धमक चमक दौरान जे आमें गोटे फ्रास कर नाटक कर बाहर जाने कौन धरीद तुम पी लगू से धरवे आम धरवू आप तो धरिया कथा धर पुरी रे हाजत मृत्यु घटना को नहीं हुलस्थुल राज्य गोटे एपटे पुरी रे एवं अन्यटी रही वीरमित्रपुर रे पुलिस हेफाजत रे दुई दुईटी अस्वाभाविक मृत्यु को नहीं हईचे सृष्टि होइचे पुलिस पिटिपिटी मारिदेबा घटना को निंदा करिछि भारतीय जनता पार्टी पुरी रे हाजत मृत्यु को कला दिवस आख्या देछि बीजेपी उभय स्थान में न्याय दाबी रे भुवनेश्वर जिला पक्षरु भारतीय जनता पार्टी तरफ रु विरोध प्रदर्शन करा जाइछि पुलिस हेफाजत रे पुरी बासाड़ी साही थाना अंचल रे के रमेश नामक युवक मृत्यु अभियोग को नहीं गतकाली पुरी सहर रे देखा देथिला उत्तेजना ही घटना को नहीं पुरी रे मुहांमुही होइथिले पुलिस एवं पब्लिक विभिन्न महलरु ए घटना को तीव्र निंदा करा जैछि सेबळी राउरकेला रे मध्य हाजत मृत्यु घटना को नहीं वीरमित्रपुर थाना रे प्रबल उत्तेजना देखा दिछि पुलिस हेफाजत रे युवक जनक थिबा बळे ताको पिटी पिटी मारि दिया जैथिबा अभिजोग आनिछन्ती परिवार लोके एक अपराधिक मामला रे युवकंकु अटक रखी पचरा उचरा करा जाउ करूथिला पुलिस थाना रे थिबा बळे असुस्थ होइ पडिबारु ताको राउरकेला आईजीएच रे भर्ती करा जैथिला सेठारे चिकित्साधीन अवस्था रे युवक मृत्यु होबा परे वीरमित्रपुर थाना रे उत्तेजना देखा दिथिला ऑफिस को दौड़ी दौड़ी नयांत होबा परे तहसील कार्यालय को पोड़ीदेले युवक रेंगाली तहसील कार्यालय रे लगाइले निया आज सका 9:30 समय घटी अग्निकाण्ड मिली सूचना अनुसार रेंगाली ब्लक तिलेमाल गाँव जड़े युवक निजर कौन काम पर तहसील अफिस् बारंबार आसी तेज उक्त व्यक्ति जनक कौन काम न होवर आज से तहसील अफिस् पहुंची एक अटो सा कि टायर कागज पत्र पेट्रोल आनी तहसील अफिस् भर को निगे अग्निशम विभाग पहुंची निया को आयत्त करते संगे संगे रेंगाली अग्निशम विभाग खबर पाई दीर्घ एक घंटा धरी निया को आयत्त करते तेज संपर्कित अधिक तथ्य पर आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि मलय भई जोड़ी मलय जानवा चाहिबा वास्तविक घटना कौन थी पूरा निश्चित भाव चिन्मय देखु आज थी आज आज घटना थी आज संबलपुर रेंगाली तहसील अफिस घटना थी आज सकाल पखापाखि 9:30 समय रेंगाली ब्लक जो युवक आसते ये तहसील अफिस् जो समय कि तहसील अफिस् खोली केवल किसी कम कर्मचारी थे तहसील अफिस् जो कि पखापाखि 10 समय खोली थे कि उक्त युवक जन निया लगे कारण तर घटना थी कि से जहाँ एक भिडियो मध्यम से जहाँ कहते कौन सी जमी बिक्री होता से जमी बिक्री
ଜମିକୁ ତହସିଲଦାର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଦଲାଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅୟାନତରେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର କାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଫଳରେ ଆସିକି ତହସିଲ ଅଫିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିକି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ତହସିଲ ଅଫିସର 50%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେୟାର ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆଦି କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 50%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରିକି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ତଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଦିଆସିଲି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ଲୋକେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜେ ସେଯାସଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଏଇ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲି ବୋଲି ନିଜେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜମି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବେ, ଯେଉଁ ଜମିରେ କି ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରିରେ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଳୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁଏତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କର ବା ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଏ କ'ଣ ଠିକ କି? ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗାଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ନିଆଁକୁ ତ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ବା ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଏଠି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସିକି ନିଆଁକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ଲିଭାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଏଠି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କଥା ପୁରାପୁରି ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିନି, ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯୁବକ ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯୁବକ ଜଣକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଗଜ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କାମ ବାରମ୍ବାର ସେ ବହୁତ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ଯେ ଆଇନ ହାତକୁ ନେଲେ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା, କାହିଁକି ନା ସେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବକ ଜଣକ ଏକା ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? କାରଣ ଜଣେ ଯୁବକ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କେମିତି କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାୟାର ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିକି ପୋଡ଼ିଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10 ସମୟ ଭିତରେ, 9:30 ସମୟର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଜମି ବିକ୍ରି ଘୋଟାଲାରେ ଜମି ବେଆଇନ ମୋର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲଦାର ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୋର କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ନିଆଁ ଲଗାଇଛି ବୋଲି ନିଜେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଖିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯାହା ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକା ଆସିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଥର ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ନଥିଲା, ଜମି ବୋଧେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇକି ଅନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ପୋଷ୍ଟରରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରିବା କି? କାରଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଠି ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଏକ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଉଠାଇ ନେଇସାରିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ପାଖାପାଖି 9:30 ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମତଃ ଯୁବକକୁ ଏଠି ନେଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥାନାରେ ନେଇକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
तहसीलदार मध्ये आमे देखुचु नाहंती से बोथे कोडे जाइथिबे ना ए घटना पर अधिक तदंत बोथे करिसै परंतु आमे जाय कर परबा किंतु वर्तमान समय रे पाखा पकी 50% रो अधिक वर्तमान समय कागज पत्र पोडी नष्ट हिसालने किंतु ए जो गता ए गुरुत्वपूर्ण कथा को बोथे तहसीलदार अगरु ए कथा को गुरुत्व नैथिले तो एते कांड न होइत घटना जा भी थाउना काई के किंतु युवक जनक एबळी बाबरे आइन को हाथ गुना बा संपूर्ण भाबरे बेआइन बहुत बहुत धन्यवाद मळे आपनकर समस्त तथ्य एवं आलोचना पई। आसवा परवर्ती खबर को राज्य में दैनिक कोरोना केस कमुची गत 24 घंटा रे सारा राज्य रो चिन्हट होचंती 757 नु आक्रांत क्वारंटाइन रो 436 ओ लोकल कांटेक्ट्स रहिची 321 सबो जिला रो नुआ संक्रमितक संख्या 100 रो कम रहिची। अनुगुल जिला रो सर्वाधिक 75 जण नुआ आक्रांत चिन्हट होइतिबा बळे खोरधा रो 70 कटक रो आउ 67 ओ सुंदरगढ़ रो संक्रमित होइचंती 52 जण अन्य सबो जिला रो नुआ आक्रांत संख्या 50 भीतर रहिची। राज्य रे मोट कोरोना संख्या 312,545 को वृद्धि पाई एमानको मध्यरु सुस्थ होती 302,796 आक्रांत वर्तमान 8,088 केस एक्टिव रही। कोविड कटकणा मध्यरे आरंभ हला विधानसभा रो शीतकालीन अधिवेशन विधानसभा तीनटा पर्यंत मुलतवी रहिछि। दिवंगत नेतांको शोक प्रस्ताव परे बाचस्पति गृह को मुलतवी करिछते। विधानसभा रो परंपरा अनुजाई जदि जणे बाचस्पतिक देहांत हुए गोटे दिन संपूर्ण गृह बंद रहे किंतु चलित अधिवेशन रे सर्वदलीय बैठक रे हुतिबा निष्पत्ति क्रमे कोरोना कटकणा को दृष्टि रे रखी अधिवेशन रे जहा कार्यसूची रहिछि ता अपराह्न रे करा जिवो। एही अधिवेशन रे 40 टी कार्य दिवस रहिछि। अधिवेशन रो प्रथम दिन रे ही अतिरिक्त बजेट आगत हेबो। एतर राज्य सरकार विधानसभा रो 10टी बिल आगत करिवे। तीनोटी अध्यादेश को आइन रे परिणत करबा को बिल आगत करिवे सरकार। आरंभ होइछे चलित वर्ष खरीफ धान किणा। कुचिंडारु उपखंड बामरा ब्लॉक गोविंदपुर महुलापाली और बाबुनी इक्तिमाल रे मंडी आरंभ करा जाइछि। अन्य पटे गोविंदपुर मंडी रे बामरा ब्लॉक रो चासी संगठन सदस्य माने टुकन व्यवस्था और कृषि बिल को विरोध करी कला ब्याज परिधान सह विक्षोभ प्रदर्शन करथिबा जणा पडिछि। सूचना अनुजाई बामरा ब्लॉक अंचल रे धान क्रय पाई मंडी आरंभ होइछि। आज महुलापाली मंडी रु 280 बस्ता धान क्रय करा जाइथिबा जणा पडिछि। गोविंदपुर रे मंडी आरंभ पूर्वरु चासी संगठन सदस्य माने पहुंची कला ब्याज परिधान करबा सह टोकन व्यवस्था और कृषि बिल को विरोध करी विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। जगत सिंहपुर रे धला जहर कारबार। सदर थाना तरतंग गाँव में जगत सिंहपुर अबकारी विभाग चढ़ाऊ कर 300 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करने जन को गिरफ्त कर। गिरफ चोरा व्यवसायी तोटापड़ा गाँव प्रभात रंजन महापात्र से दीर्घ दिन है ब्राउन सुगार बिक्री कर आसुवा बेले आज अबकारी पुलिस घर उपर चढ़ाऊ कर ब्राउन सुगार सहित बैक एक बंधुक जबत हो। जबत ब्राउन सुगार मूल्य प्राय 30 लाख टंका है जमापड़। घर पाखे पहुँचे से मैडम से घर गोटे के टीएम रेसींग बैक धरी घर बाहर जाता से समय मैडम तक अटकैले अटकैला से बैक चेक कले पकेट रू बाहर ब्राउन सुगर 300 ग्राम ब्राउन सुगर जमा थी। अनुगुल जिला समल पुलिस चोरा कोयला चलाण अभियोग रे ड्रग सह जणकु गिरफ्त करी कोर्ट चलाण करिछे। पुलिस पेट्रोलिंग करी फेरुतिबा समय रे समल टोलगेट रो एक 12 टन चोरा कोयला बोझै गाड़ी को जबत करबा सह ड्राइवर को गिरफ्त करिछे। गिरफ्त ड्राइवर बिहार राज्य रायगढ़ जिलार संजीव कुमार बोली जणा पडिछे। एनै समल पुलिस मामला रुजु करी अभियुक्त संजीव को कोर्ट चलाण करथिबा समल थाना अधिकारीनी चारुलता बेहरांको पक्षरु सूचना रहिछे। पारिवारिक कलह को नहीं शशुर को छुरी मारा ज्वाई एभली एक अभावन घटना घटी स्टेशन बजार अंचल में। वर्तमान से कैपिटल हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रही तेज लक्ष्मी सागर थाना बुद्धेश्वरी कॉलोनी रे एक बस्ती में छुरामाड़ हो। पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर। रातिर घरे पशि कलाकना बुलाइले दुर्बृत्त। भद्रक वासुदेवपुर थाना अंतर्गत देउली गाँव मधुसूदन दलंक घर गतकाली रातिर चोरी होता वासुदेवपुर थाना रे अभियोग होइछि। झियर बाहागर पाई सुना गहना और 5 लाख टंका घरे थिबा बेले दुर्बृत्त माने याकु लुटि नैथिले। अभियोग परे घटनास्थल रे पुलिस पहुंचि तदंत आरंभ करछि।
ओलटिला कुकुड़ा बोझेई गाड़ी सुंदरगढ़ सदर थाना अंतर्गत वेड़ाबहाल कुलाबेला जंगल रो एक कुकुड़ा बोझेई गाड़ी ओलटि पड़ी गाड़ी ओलटि पड़ा पर स्थानीय लोके ड्राइवर को उद्धार करने परिवर्ते कुकुड़ा बोही नहीं खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची ड्राइवर को उद्धार करने सुंदरगढ़ मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कर बेआईन मांकड़ा पथर बोझे गाड़ी जबत खोर्धा जिला टांगी तहसील अंचल में बेआईन भाव पथर चलाण होता बेले टांगी तहसीलदार दुईट पथर बोझे ट्राक्टर हाइवा आदि गाड़ी को जबत कर गाड़ी में बेआईन भाव मांकड़ा पथर बाली चोरा चलाण कराला खबर पाई तहसीलदार गाड़ी सदल बेले पहुंची गाड़ी गुड़ को जबत कर बर्तमान खबर ये मध्यान खबर को ये रखु नमस्कार।